दैट इज़ 500 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 2500 ये हो जाएगा आपको, क्योंकि इस तरीके से आप इसको निकालने के लिए आता है आपको, ये निकाल सकते हैं, दो तीनों से कैंसिल हो जाएगा और 2 टाइम 50 20 आ गया, तो ये आपको 400 आ जाएगा। ठीक है, तो 400 ओम इसका R1 आ गया और ये R2 यहाँ पे 3000 है, R2 = 3000। तो R इक्विवेलेंट जो है ना आपका यहाँ पे दोनों मिला के 400 + 3000 दैट इज 3400 ओम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको I निकाले तो I क्या आएगा, I = आएगा V/R। तो V कितना है, दैट इज 60 अपन R कितना हो गया टोटल 3400। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 6/340 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे तो ये मेरा आ रहा है 6/340, लेकिन हमें पूछा गया यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, इसको हम 500 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे हमको वोल्टेज निकल जाएगा। I = आपको पता ही है एंड R = पता है, दैट इज 500। ओके, दैट इज 500 ये हो गया आपको रेजिस्टेंस, तो दैट इज V1 = IR1 6/340 × 500। तो इसका जो आएगा क्या कैलकुलेशन करके आता है आंसर देखिए, तो ये आ जाएगा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे R का जो वैल्यू था ये हमें 400 आया था R1 का। ठीक है, तो यहाँ पे 400 ही लेना था, R1 दर के लिए भी 400। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा इसके बाद 400 पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या चाहिए था हमें, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो चाहिए था ना, यहाँ पे इन दोनों के बीच में चाहिए था हमको, तो इनके बीच में जो है पोटेंशियो मीटर क्या रीड करेगा, मतलब इनके बीच में जो है वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, ये हमें चाहिए था इनके बीच में रीडिंग। तो इन दोनों का हमको यहाँ पे R इक्विवेलेंट चाहिए था, दैट इज 400 आ रहा था। ठीक है, तो ये आगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 7.05 के अप्रोक्स आएगा आई थिंक। ठीक है, तो ये आएगा आपको वोल्टेज। फिर दूसरा हम कह रखा है यहाँ पे कि व्हेन द प्लेस अक्रॉस 3000 रजिस्टर, तो अब इसमें फिर वही कम करना है, 3000 के अगेंस्ट लगाना, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे। ओके देन, तो फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें, देखिए ये हो गया आपको, ये 60 हो गया, दैट इज एंड थाउजेंड के इसमें लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 500 होगा उनका, ये 3000 एंड 2000 यहाँ पे लगा हुआ, तो इसमें हमको पूछा गया क्या होगा, तो फिर अब इस बार आई अलग आएगा। ठीक है, इस बार डिफरेंट आएगा आई, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आएगा। ठीक है, फिर वो 500 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 3000 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 5000, 3 + 2 = 5000। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 6 0 0, तो 600 × 1200 आएगा। ठीक है, तो दैट इज 1200 + 500, तो 1700 आएगा। ठीक है, तो ये तो R आ गया इसका, है ना, R1 आ गया मान लेते हैं एंड R2 आ गया 500, टोटल आ जाएगा आपको R इक्विवेलेंट आएगा दैट इज 1700। ठीक है, तो फिर आपको V निकालना, V = होगा 60/1700, ये कट जाएगा दैट इज 6/170 वोल्ट। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको चाहिए इनके बीच में पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, ये तो I आ गया, I = V/R होता है, दैट इज I आ गया और ये एम्पियर में आएगा। ठीक है, ओके, तो अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, V निकालना है, तो V = IR1 × R1, I हो गया आपको यहाँ पे दैट इज 6/170 × R1 दैट इज 1200 यहाँ पे। ठीक है, तो वो 1200 आएगा
इसको सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आता है आंसर। तो ये जो वैल्यू आने वाला है दैट इज 42.35 के अप्रोक्स आने वाला, ठीक है, वोल्ट। तो ये जो है यहाँ पे वोल्टेज आएगा दैट इज 42.35 के अप्रोक्स आएगा, तो ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे R2 जो है दैट इज 500 था। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें जो है पहले में तो आपको 500 के अक्रॉस लगाना था यहाँ पे, और दूसरे केसेस में यहाँ पे 3000 के अक्रॉस लगाना था। तो दोनों को लगाने के बाद सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज चेक में 43.5 के अप्रोक्स दिया इसमें, लेकिन 42.35 आ रहा है एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के बाद। तो आप कर लीजिए क्या आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन करके आ जाएगा आंसर, ठीक है। और इनका जो वैल्यू है ये वाला 7.05, ये तो सही था आंसर, लेकिन इसका मिस आ रहा है, आई थिंक हमको लग रहा है इसमें आंसर में मिस है कुछ, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं 31 के बाद, 31 क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखते हैं। तो इसमें दे रखा सेल हैज EMF 1.08 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 व्हेन इट इज कनेक्टेड इन सीरीज द रेजिस्टर आर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल फेल्स 0.96 वोल्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। देखिए इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा क्या, कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस में और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे एक सेल है मान लेते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, स्मॉल आर, एंड इस तरीके से हम यहाँ पे एक पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ बनाते हैं वोल्टेज। अच्छा इसमें जो है ये टर्मिनल है यहाँ पे, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज का ई है, तो इसका जो EMF इसको बोलते हैं दैट इज, इसको इस नोट किया जाता है टर्मिनल वोल्टेज। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ भी हैं और ये इसमें एक आर रेजिस्टेंस लगा हुआ कहीं पे, मान लेते हैं आर रेजिस्टेंस लगा हुआ, ठीक है, तो जो हमको EMF आएगा दैट इज इस बैटरी का, ये टोटल रेजिस्टेंस जो है होगा दैट इज आर इक्विवेलेंट, ये आर प्लस आर आएगा, ये आर भी है, ये सीरीज में होगा, ठीक है, बैटरी का दैट इज ये सीरीज में होगा, ठीक है, आर और ये आर, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों सीरीज में आएगा, ये एंड ये दोनों। उसके बाद मान लीजिए इसमें करंट जो जाएगा दैट इज आई, आई इज द करंट, तो हमको टोटल जो इसमें भी आने वाला है इक्वल टू आई आर, आई टाइम आर प्लस आर आएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो टोटल वी इक्वल टू आई टाइम आई आर होता है दैट इज व्हाट, ये नथिंग इज EMF होता है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए एक्चुअली कोई फोर्स नहीं होता है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कहा जाता है ये, लेकिन कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होता है, ठीक है, ये जो होता है EMF होता है किसी भी सेल का, ठीक है, ये कोई फोर्स नहीं है, दैट इज ये इलेक्ट्रॉन मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ठीक है, ये जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल। तो अब इस तरीके से आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, दैट इज ई माइनस आई टाइम आर जो होगा इक्वल टू ये आई आर हो गया और ये प्लस का आई आर हो गया, ये आएगा। तो आपको आई आर को आप भी लिख सकते हैं, तो ई माइनस बी इक्वल टू आई आर। तो ये इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने हैं, तब ये सवाल आपका ये बनेगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या क्या दे रखा है उसके अनुसार इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो EMF दे रखा है 1.08 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 1.08 वोल्ट, ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आर जो है सेल का 0.5 ओम, ठीक है। व्हेन इट कनेक्टेड द सीरीज विद रेजिस्टेंस आर, तो हमको आर दे रखा कोई इनका रेजिस्टेंस है, ये फाइंड किया करना हमको। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस तो फेल करता है दैट इज 0.96, तो भी हो गया आपको 0.96, मतलब कोई जो लगाते हैं इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी हम ये वोल्टेज होगा ना तो ये EMF से कम होता है, कुछ लगाने के बाद इसका EMF कम हो जाता है, ठीक है, तो दैट इज लेस देन द एक्चुअल वोल्टेज। तो इसमें हम ये सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू आपको मिल जाएगा दैट इज, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं वैल्यू इस इक्वेशन में। तो ई आ गया आपको 1.08, ठीक है, माइनस बी हो गया 0.96 इक्वल टू आई टाइम आर। अच्छा आई कैसे निकलेगा, आई निकलेगा वी बाय आर करके, ठीक है, तो हमें ये तो पता नहीं वी बाय आर कितना होगा,
तो ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं इसमें, है ना। ठीक है, तो इसको हम आई पहले निकाल लेते हैं, इसको हम लिख देंगे आई टाइम आर। ठीक है, तो हमें आई जहाँ पे फाइंड जो करने थे। अच्छा, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5, इसका काम देखिए क्या होगा। ये तो हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये माइनस करने के बाद तो दैट इज 8 माइनस 6 हो जाएगा 2, एंड ये तो माइनस करके 0 ही आएगा। एंड ये आ जाएगा आपको फिर, तो ये सॉरी ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अच्छा इसमें जो हमने डिवाइड करा था, ये था यहाँ पे थर्मिस हो गया था, आई इंटू आर बचता है यहाँ पे, तो ये स्मॉल आर होता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये आर जो था ना यहाँ पे, आई इंटू आर, ये तो वी हो गया, ये उधर जाके माइनस हो गया था यहाँ पर। ठीक है, तो ई माइनस वी दैट इज़ वॉट, ये हो गया आपको, और ये आई इंटू आर यहाँ स्मॉल होता, ये एक मिस था, तो सॉरी इसके लिए इसको देख लीजिए आप एक बार, ये आई इंटू आर स्मॉल में होता है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज ई माइनस बी इक्वल टू आई आर, तो इस तरीके से आएगा। तो हमने क्या करा, इसमें से ई माइनस वी कर दिया, दैट इज ई माइनस वी, ये ई था माइनस वी था, और ये आई टाइम आर के बराबर होगा। तो अब आगे इसको हम थोड़ा सॉल्व करें, तो ये आपको माइनस करने के बाद ई टाइम, तो ये आएगा 0.12 इक्वल टू आई इंटू, अच्छा इसमें आर का वैल्यू 0.5 दे रखा है, तो इससे हमको आर निकल जाएगा, दैट इज सॉरी आई निकल जाएगा, आई कौन होगा 0.12 डिवाइडेड 0.5, तो ये आपको आएगा पॉइंट वन के बाद तो 0.24। ठीक है, एम्पियर। अच्छा ये तो आ गया आपको 0.25 एम्पियर आई, और हमें वी दे रखा है, वोल्टेज जो है यहाँ पे ये दे रखा है, तो वी इक्वल टू आप आई आर लगा लीजिए फॉर्मूला, तो आपको ये निकल जाएगा आर, तो आर इक्वल टू वी बाई आई होगा, तो वी हो गया आपको 0.96 अपन 0.24, दैट इज 4 ओम, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए, यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो ई माइनस वी इक्वल टू आई आर हो गया, तो ई माइनस वी इक्वल टू आई आर हो गया यहाँ पे, यहाँ पे आर की जगह वैल्यू पुट कीजिए, आई निकल जाएगा, आई निकल गया आपको यहाँ पे, तो अगर आई निकल गया आपको तो वी दिया हुआ, ये जो वोल्टेज है ना, ये यहाँ का वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज 0.96। ठीक है, तो आपको आर निकालना है, तो वी इक्वल टू आई आर होता है, ये लगा लीजिए यहाँ पे, आई आपको पता है। ठीक है, इससे आपको मिल जाएगा आर का वैल्यू, तो ये आपका आंसर 4 ओम करेक्ट है। ठीक है, तो फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, दैट इज 32 में क्वेश्चन।